डीसी साहब की गल की लगातारता दे विच मैं शहीदी सभा दे विच जिहड़े पुलिस प्रबंध किए जा रहे हैं उन्हां बारे दसना चाहूँगी। सब तो पहला तो जिहड़ी इत्थे संगतां आ रही ने शहर दे विच उन्हां दी सहूलत ते सुरक्षा नूं मद्देनज़र रखते हुए शहर दे एरिया नूं 5 सैक्टरां दे विच वंडिया गया है। तकरीबन 3000 दी जिहड़ी पुलिस परसनल दी जिहड़ी फोर्स है वह तैनात की गई है। एक प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल बनया है जिदे विच सारे जिहड़े सैक्टर्स ने ते सारे जिहड़े पुलिस परसनल डिप्लॉयड ने वो आपस दे विच एग्जैक्टिव मैजिस्ट्रेट्स जिहड़े इत्थे मौजूद होंगे जिहड़े जिन्हां जिन्हां दी इत्थे ड्यूटी लगी है उन्हां दे नाल उन्हां दा कम्युनिकेशन चैनल जिहड़ा है कनैक्टेड होएगा। तकरीबन 55 जिहड़े ने वो नाके ने शहर के आस पास सुरक्षा के मद्देनज़र रखते हुए 12 चैक बैरीयर्स ने। इन्हां चैक बैरीयर्स तो अगे जिहड़े ने आरजी बस स्टैंड ने जिदा कि डीसी साहब ने दस्या है कि बस स्टैंड आरजी बस स्टैंड तो जिहड़े शहर के अंदर संगतां नूं लैके आने लई शटल बस सर्विस का प्रबंध किया गया है। तो मेरी सारी संगतां नूं अपील है कि वध तो वध इस शटल बस सर्विस की जिहड़ी है इस सेवावां की वरतों की जाए। ये जिहड़ा शहर के ट्रैफिक की स्थिति है वो ठीक रहेगी मैनेजेबल रहेगी। तो साढ़े लिए पुलिस के लिए तो आम जी संगत इतने विजिट कर आ रही ने उन्होंने भी सहूलत मिलेगी। इस तो इलावा जी पुलिस ने 21 पार्किंग्स का प्रबंध किया है। तो पार्किंग्स हर तरह तरीके की जी सहूलत का प्रबंध डीसा वालों किया गया उ टॉयलेट्स ड्रिंकिंग वाटर तो इस तो इलावा लाइट्स वगैरह का प्रबंध किया गया। तो पार्किंग्स के आस पास सारी पार्किंग्स जो आरजी बस स्टैंड नाल कनैक्ट किया गया। इस तो इलावा 20 ट्रैफिक पोस्टा ने ते एक असी जी बदलवी तो जी नवी चीज़ इस बारे की है वो है समाधान केंद्र का जो कि एक तरीके का पुलिस फ्रंट डेस्क रहेगा। ये हर तरीके की जी एमरजेंसी सर्विसिज संगतों को लोड़ पै सकती है वो प्रोवाइड की जाएगी। किसी तरीके की पुलिस नूं कंप्लेंट जे किसी ने देनी है या किसी नूं कोई एमरजेंसी हेल्थ एमरजेंसी किसी नूं कुछ पै गया तो उत्थे डॉक्टर साहब का प्रबंध हैगा ते उधर एम्बूलेंसेस ते इस तों अलावा बिजली दे कुछ ऑफिशियल्स वगैरह जिहड़े ने वो भी उत्थे मौजूद रहेंगे। तो समाधान केंद्र ने जिहड़े सारे प्रोमीनेंट प्लेसिस दे विच गुरद्वारा साहब के आस पास जिहड़े प्रोमीनेंट थावां ने जिथे संगतां दा कट ज़्यादा होने की संभावना है उत्थे समाधान केंद्र ने। तो अगेन मैं दोबारा संगतां नूं अपील करूँगी कि जे किसी नूं कुछ इह जी कोई एमरजेंसी सर्विस की लोड़ पैंदी है तो ये समाधान केंद्र नूं जरूर अप्रोच करन। इस तों इलावा एक वड्डा साडा जिहड़ा प्रबंध है वो ट्रैफिक डायवर्जन बारे किया गया है। आम तौर पर देखा गया है कि जिहड़ी संगतां ने शहर दे विच नहीं आना या उन्होंने लुधियाणा वल निकल जाना है या पटियाला वल जाना है वो कई बार शहर के एरिया दे विच फस जांदियां सीगियां गड्डियां। तो इस बार असी जिहड़े जिन्हें भी डायवर्जन पॉइंट्स ने उते असी इहदी थोड़े मीडियम राही पब्लिसिटी भी करना चाहांगे उते असी बोर्डस भी लाए ने तां वो डायवर्जनस की वरतों करन संगतां तां जो या आम पैसेंजरस तां जो वो शहर के क्राउड दे विच ना मिक्स होण। तो क्योंकि शहर दे विच जिहड़ा हैगा गुरद्वारा साहिब आने वाला क्राउड आम तौर पर ज़्यादा होंदा तो इस करके ट्रैफिक डायवर्जनस बारे जो है असी सारे रस्तियां ते बोर्ड्स लाए ने ते उस बारे जे आम लोग जिहड़े सड़कां ते चल रहे ने वो देखण ध्यान रखन तां उन्हां नूं काफ़ी गाइडेंस मिल सकती है। ते इस तों इलावा धुंद दा हुण मौसम चल रहा है ते शाम दे टाइम ट्रैफिक फ्लिकर लाइट्स ते जिहड़े बैरीकेड्स ने उन्हां नूं फ्लोरल सेट टेपिंग करके तां जो जिहड़ी संगत आ रही उन्हां दी उन्होंने प्रॉपर सेफ्टी असी इतने उन्होंने गड्डियां सेफ्टी प्रोवाइड कर सकी मौसम के मद्देनज़र। एक मैं लास्ट दसना चाहूँगी जी कि पूरा जिहड़ा शहीदी सभा वाला एरिया है इनू CCTV कैमराज नाल कवर किया गया है तो कंट्रोल रूम इस्टैबलिश किए गए हैं। जे किसी का कोई समान गुम जाता है या किसी कोई होर प्रॉब्लम आती है तो समाधान केंद्र के अप्रोच करके असी समझते हैं कि असी इन्हां दी जिहड़ी प्रॉब्लम रेजोल्यूशन है वो बड़ी चंगी तरह कर सकांगे। इस तों इलावा ड्रोन कैमराज की वरतों की जा रही है जी तां जो जिहड़ी साडियां पार्किंग्स ने ते जिहड़ी ट्रैफिक की मूवमेंट है उन्हों स्टडी किया जा सके।
एक अहम गल होर मैं जी आखिरी गल दसना चाहूँगी जी कि असं पूरा जोड़ा एरिया है उन्होंने तकरीबन वन वे करके ट्रैफिक का समूथ फ्लो इंश्योर करा इस करके मेरी सारी संगतान को बेनती है जोड़े इतने आ रहे हैं इस टाइम दौरान सभा दौरान कि जिदा थोनों ट्रैफिक ऑफिशियल्स गाइड कर रहे हैं जो तुम फॉलो करोगे रस्ता तो ट्रैफिक की मूवमेंट जी बड़ी समूथ रहेगी तो थोनों पार्किंग या अंदर आने के लिए कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पेगा। मैं उम्मीद करती हाँ अपनी पूरी टीम के बिहाफ से कि